पाकिस्तान बेशर्म, सबसे बड़ा बेरहम। लश्कर हो या जैश, वहां टारगेट हिंदू सेठ। अल्पसंख्यकों को मालूम पाकिस्तान जहन्नुम। जी हां, पाकिस्तान में लंबे समय से अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, मारपीट और कत्लेआम की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। पाकिस्तान का ये डरावना चेहरा पूरी दुनिया ने देखा है, जिसके चलते वहां रह रहे अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में पाकिस्तान यानी अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान लंबे वक्त तक अपने इस सच्चाई को नकारता रहा, लेकिन अब जाकर पाकिस्तान ने आखिरकार यह कबूल कर ही लिया कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम से कम नहीं है। पाकिस्तान ने आखिरकार ये मान लिया कि उसके देश में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से ये कबूलनामा किया है वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने। यहाँ पे अकलियतों को रोजाना कत्ल किया जा रहा है, मजहब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अकलियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। दरअसल पाकिस्तान पर ये आरोप लंबे वक्त से लगते आ रहे हैं कि वह अल्पसंख्यकों पर लगातार जुल्म सितम ढाया जा रहा है, और वहाँ आए दिन कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों का कत्लेआम कर रहे हैं। पूरी दुनिया की न्यूज एजेंसियों ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट अलग अलग देशों में दिखाई है, लेकिन पाकिस्तान इन आरोपों पर लंबे वक्त तक चुप्पी साधे रहा। लेकिन अब जबकि पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर पाकिस्तान की मजम्मत हो रही है, तो इसमें चिंतित पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पहली बार वहां की संसद में इस खौफनाक सच को कबूला है कि उनका देश अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम बन चुका है, और वहां धर्म के आधार पर लगातार अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में कोई मजहबी अकलियत इस वक्त महफूज नहीं है। हमारे अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर जो छोटे फिरके हैं वो भी महफूज नहीं है। ये एक शर्म की बात है, एक ऐसी बात है जिससे पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन इनको ना शर्म आ जा रही है ना आ रही है। हैरानी ये है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपने देश की संसद में खुलेआम यह कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर रोजाना ज्यादती हो रही है, इस्लाम की आड़ में अल्पसंख्यकों का कत्ल किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत की जा सके। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी संसद में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक प्रस्ताव की मांग की, लेकिन पाकिस्तान इसे लेकर कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मांग को पाकिस्तान के किसी सांसद ने समर्थन नहीं दिया। हमारा आईन जो है वो अकलीतों को तहफ्फुज़ देता है, लेकिन अमली तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे गिरोह जो है वो कभी सवात में कत्ल करते हैं, कभी सरगोधा में कत्ल करते हैं, कभी फैसलाबाद में कत्ल करते हैं। ये कौम के लिए लमाए फिक्रिया है, शर्म का बायस है। और जब इस मुल्क, जब इस मौजू पे पाकिस्तान के सबसे बड़े ईवान में अगर बात की जाती है तो ये जो है उस बात का जो है गला घूंट रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई और सिख समुदाय अल्पसंख्यक है, लेकिन वहाँ का कानून उन्हें किसी तरह की सुरक्षा नहीं देता, जिस वजह से वहाँ आए दिन अल्पसंख्यक आबादी धर्म के आधार पर उत्पीड़न का शिकार होते रहे हैं और उनकी हत्याएं होती हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कहती है कि वहाँ अल्पसंख्यक आबादी जबरन धर्म परिवर्तन, यौन शोषण, अपहरण और हत्या जैसे गंभीर अपराध का निशाना बन रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। ऐसे में पाकिस्तान रक्षा मंत्री का यह कबूलनामा वहाँ कौन से बदलाव लेकर आ सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।